सो फ्रेंड्स, वहाँ पे वो नोटिस कर रहे होंगे आप कि हनुमान जी के यहाँ पे हनुमान जी की आईज मिल रही है। सो गाइज, ये साक्षात दर्शन हमें जो है आज। आप भी बोलो, कीजिए हमारे साथ दर्शन। जयकारा शेरवलिता बोल सांचे दरबार की जय। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया होंगे आई होप। सो नौ देवी इस टाइम हम आ चुके हैं। सो लोकेशन देख लीजिए भाई साहब, काफ़ी यहाँ पे रश हो चुका है। सो सबसे पहले हम जो ना नीचे जाएंगे और पंडित जी से बात करेंगे कि यार यहाँ पे जो है अलाउड है कि नहीं। सो हमने प्रसाद वगैरह यहाँ से कैरी कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ से आप जाके प्रसाद वगैरह जो अपनी यहाँ पे आप शॉप पे अपनी प्रसाद वगैरह कैरी कर सकते हैं और जो अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। जैसे आप एंटर करते हैं ना, बिल्कुल साइड पे ही लेफ्ट साइड पे एक शॉप है, तो वहाँ पे आप जाके आराम से आपको सारी सर्विस मिल जाएगी। तो फटाफट से अभी नीचे चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो नौ देवी, आपको मैं बता दूँ, नौ देवी अभी हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमम जो क्राउड है वो ज़्यादा नीचे हमें देखने को मिल रहा है। सो फटाफट से अभी नीचे चलते हैं, करते हैं माता के दर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे परमिशन मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीचे शूट करने देंगे। फिर भी एक बार हम पूछ लेंगे उनसे कि शूट करना अलाउड है कि नहीं। सो भाई साहब, क्या नज़ारे आसपास के यहाँ पे आप देख सकते हैं, नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी सारी शॉप्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पे आप अपने मनपसंद की सनग्लासेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सामान यहाँ पे लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए ये बैग्स यहाँ पे, वाह क्या बात है। मैं आप एक बार बता देता हूँ यहाँ पे आपको बैग्स, भाई यहाँ पे कुछ यूनिक सी चीज मिल रही है। वही वो वाला सीन, ये वही है ना, नथा वो पत्नीटॉप वाला। शॉपिंग ऑप्शन है आपको काफ़ी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे आइटम्स ये देखिए हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे मंदिर की ओर, हमें पौड़ियों से जाना पड़ रहा है नीचे। और नीचे आप देखिए थोड़ा क्राउड यहाँ पे इस टाइम पे बढ़ चुका है आगे। ओ भाई, ऐसे और यहाँ पे चनामक किया जा रहा है, जो माता का चनामक है। हैवी रश यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है, और क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं टूरिस्ट बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे जो है शॉपिंग कर रहे हैं बाहर से आके। सो काफ़ी अच्छा लगता है जब बाहर के टूरिस्ट हमारे यहाँ जम्मू में विजिट करते हैं। सो ग्लैड टू मीट ऑल द पीपल्स। सो यहीं पे लोगों ने खोल दी हैं भाई साहब अपनी चप्पलें। सो ये रास्ता है अभी मंदिर की तरफ जा रहा है। सो ये देखो गुफा जाने का रास्ता। प्रसाद एंड अभी हम जा रहे हैं अंदर। सो यहाँ पे हैवी क्राउड आपको इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एंड देखिए भाई साहब, बोले शुक्र हनुमान। ओके, यहाँ पे आपको साक्षात मतलब उनके दर्शन करने को मिल रहे हैं। नाग नाग ना शेष नाग है, नंदीगंज बोले शंकर हनुमान जी। क्या बात है। सो ये हैं साक्षात दर्शन, हमारी वीडियो के माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए। बोले शंकर आपकी मनोकामना पूरी करे, सुख शांति जय। एक बार हम आपको पूरा क्लियरली बता दें कि यहाँ पे जो है आपको साक्षात भगवान जी के दर्शन करने के मिल रहे हैं। तो ये हनुमान जी के हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं और साथ में शेषनाग जी का दर्शन। सो कर लीजिए गाइस दर्शन यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे वो नोटिस कर रहे होंगे आप कि हनुमान जी के यहाँ पे हनुमान जी की आईज मिल रही है। सो गाइज, ये साक्षात दर्शन हमें जो है आज देखने को मिले, मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें। सो आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए साक्षात। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में जहाँ पे अंदर माता के दर्शन होते हैं। तो वहाँ एक गुफा है जहाँ से हमने एंटर करना है। सो ये है गुफा का मार्ग, और यहाँ पे सारे लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं। सो लेट्स गो।
भाई आपका फर्स्ट टाइम विजिट है या पहले भी कर चुके हो? मैं 8-10 बार गया, कितने बार? क्या बात है, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है यार, 12 बार मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है। डिटियां दे रही है भैया, कह रहे हैं कि यहाँ से पहले रास्ता था जाने का, तो अब जो है मेन वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ रास्ता। सो पहले भैया कह रहे थे कि यहाँ कहीं से जो था रास्ता, तो रास्ता घूम फिर के पूरा अंदर से आता था। हाँ यही है। सो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी सारा क्राउड हमें देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। सो हमारी टर्न यहाँ पे, वी हैव टू स्टॉप। लाइन में चल रहे हैं भाई सारे, देखिए एक्यूरेट लाइन में सारे चल रहे हैं, और हमारी टर्न अभी आएगी मे बी 10 या 15 मिनट के बाद। सो लेट्स सी। भाई साहब बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, वाह। सो दोस्तों जैसा कि भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है गुफा का जो पुराना रास्ता यहीं से था, सो पूरा टर्न करके जो है वहाँ से बाहर निकलते थे, तो अभी उन्होंने यहाँ से इसका जो है रास्ता बना दिया। बट जो प्राचीन चीज़ है उसको प्राचीन में ही रहना चाहिए ना, जितने मैं वो प्राचीन ज्यादा से ही। सही बात है, वो आप ऊपर वाली कह रहे हो ना, वो यहाँ से है पूरा। वाह वाह, अभी कुछ ही देर में हम गुफा के अंदर एंटर कर जाएंगे, प्राचीन गुफा के अंदर, जहाँ पे हमें बिल्कुल बेंड होके जाना पड़ेगा। यार वही सीन है ना, एक गुफा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अंदर गुफा के, और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन करते चलिए। सोनू भी अपने साथ, साथ में आके कैमरे भी लगे ध्यान से। हाँ जरूर। जय माता दी ही बोला, जय दादी जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी वीडियो मत। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर गुफा के, कीजिए हमारे साथ दर्शन। और सोनू भी एंटर हो चुके हैं, अब जाएंगे हम। गाइस जैसे आप यहाँ पे एंटर होते हैं तो आपको पूरा जो है बेंड होके आना पड़ता है, बेंड होके पूरा आपको आना पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसी लोकेशन है, काफी अच्छी लोकेशन है माता की। जय माता दी। ओ भाई साहब। सो गाइस हम मंदिर एंटर हो चुके हैं। हाँ जय माता दी। वाह गाइस ये देखिए सारी प्राचीन चीजें यहाँ पे जो बनी हुई है। सो दर्शन कीजिए, और सारे जो यात्रु जो हैं आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। सो ये गणेश जी के दर्शन है साक्षात, गाइस दर्शन कीजिए। और ये चरण पादुका के दर्शन, चलिए माता के दर्शन करते हैं। सो गाइस अभी हम आपको माता के अब हम आपको दर्शन शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्माण्डा स्कंद माता का दैनिक काला दिन गणपति के दर्शन। क्या बात है, जय दर्शन माता रानी के, कर लो प्रणाम मत्था टेक लो। जयकारा शेरवलिता बोल सांचे दरबार की जय। सो हमारे दर्शन हो चुके हैं अच्छे खासे,
भैया कैसा लगा? अच्छा, जय माता दी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, और थोड़ा हमें बैंड होके जाना पड़ा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा आ गया। किसने कहा? चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी आओ, तो फटाफट से गए थे, हम भी आगे जा रहे हैं। सो ये है बाहर का द्वार, दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं आगे जहाँ पे आपको नहाने वाली लोकेशन भी मिलेगी। भाई दर्शन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लोकेशन में नहाने सारी लोकेशंस मिल जाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, देवी में स्पेशल ये है कि दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। सो ये देखिए भाई प्लेस, कितना इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह काफ़ी हैं, और लोकेशन देखते जाइए, और यहाँ पे लोग जो है ट्यूब्स का सहारा ले रहे हैं। बेसिकली पानी जो है ना इतना, वो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है ना, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो बच्चे हैं यहाँ पे नहा लेते हैं। भाई साहब ये देखिए क्राउड, ये कह रहे थे कि मैंने भी नहाना है, सो मैंने कह दिया कि भैया हाँ आप जाइए। तो देखिए हमारे जो भाई सारे आए हुए हैं, ओ भाई साहब, जय बाबा नाग देवता जी, कृपया इस स्थान को साफ रखने में सहयोग दे, काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि और भी लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए। यहाँ पे भैया भी आए हुए हैं, भैया आप कहाँ से हैं? जम्मू से। भाई साहब जम्मू से हमें भैया मिल चुके हैं। अच्छा भैया तुस गड्डी कन्नै आए होने, तो सारे थोड़े कन्नै आए थे, तो तुस किन्ने मेंबर लेके आए थे गड्डी आले? गड्डी से भाई बंदे आए थे, सारे जम्मू तो आए थे। जम्मू केड़ी एरिया चो आए थे? भगवती नगर। तो भाई साहब हमारे भगवती नगर से, हमारे एरिया से ही जो है भैया आया हुए हैं यहाँ पे। तो भैया नाम क्या है आपका? कमलजीत जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है यार, अपनी फैमिली के साथ लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे नहा लेते हैं। तो भाई साहब लोकेशन देखिए, और सामने यहाँ पे क्राउड देखिए, क्राउड काफ़ी है यहाँ पे आसपास में। तो भैया भी रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई गर्मी में आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो नौ देवी आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको माता के दर्शन भी होंगे, और यहाँ पे आप नहा के भी जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सोनू भी आप पानी के अंदर जा चुके हैं, तो ये देखिए भाई साहब क्या बात है। हाँ कैमरे के समीर आ जाओगे बीच में, वाटर प्रूफ नहीं है भाई फोन मेरा, और भैया यहाँ पे फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब इंजॉय पूरा चल रहा है, क्योंकि इंजॉय आपको पता लाइफ में करना चाहिए। माता के दर्शन के बाद हमने जो है यहाँ पे नहाने का डिसीजन, और पानी के इसके समेत आ जाऊँ क्या? काफ़ी सारा क्राउड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी बोलो बोलो, जाओ आगे तक होके आओ, आगे तक होके आओ। ठीक है, और भैया जो कह रहे हैं हम, मैं पानी के बीच में चल जाऊँगा और वहाँ से आगे निकलूँगा, और कैमरे को मुझे बार बार बजाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है ना जंप कर रहे हैं, तो पानी जो मेरा फ़ोन के ऊपर पड़ रहा है। बेसिकली मेरा फ़ोन जो है ना वाटर प्रूफ नहीं है, और अब A few moments later ये जा रहे हैं पानी से अंदर। ओए भाई भाई प्लान कैंसिल हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई साहब भैया जा रहे थे पानी के क्रॉस करके सीधा वहां पे, बट यहाँ पे इनका स्टॉप हो गया। भाई जाओ ना बीच में से, लता बजनी नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई साहब, लोग इतना क्राउड हो चुका है ना कि भाई मजे ही मजे हो चुके हैं नौ देवी में। भाई साहब यहाँ पे लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फुली इंजॉय लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और भैया आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा उनसे।
क्या बात है बॉस, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? ओके है ना सिस्टम? ऑल गुड। यहाँ पे भी एक छोटा सा पानी का सिस्टम है जहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं, और यहाँ पे भी जो है आप नहा वगैरह सकते हैं। सारी फैमिलीज यहाँ पे आके एंजॉय कर रही है। मैक्सिमम लोग जो हैं जम्मू से हैं, बाहर से हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो बाहर के लोग भी यहाँ पे आके जो हैं नहा रहे हैं और काफ़ी इस ब्यूटीफुल जगह का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस, शुभम बरोड जा रहे हैं नहाने के लिए, और शुभम की लोकेशन देख लीजिए। शुभम से ये पानी में डरते हुए और भी बचे सो गाइस, मैंने तो नहा लिया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे लोग अपनी फैमिली के साथ विजिट करते हैं। सो काफी अच्छा लगता है कि बाहर से लोग आते हैं, और हमारे जम्मू के भी मैक्सिमम मुझे यहाँ पे मिले। सो मेरे साथ मेरे भैया थे, सो अभी जो है हमने यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट दर्शन भी कर लिया और नहा भी लिया, आप देख ही सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। सो यहाँ पे भैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि भैया ने नहा लिया, भैया पजामा खोल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।